चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लग रहे हैं? वहाँ नहीं रहे, लग रहे हैं। जलवा है हमारा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एक बंदे ने 4 से 5 बार मेरे को मैसेज किया है कि भाई स्वैपर के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो बनाओ, स्वैपर के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लाओ। तो फाइनली मैं उसके लिए ये स्वैपर की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो उससे पहले मैं आपको स्वैपर का रोल थोड़ा समझा देता हूँ। तो देखो, स्वैपर का काम होता है जो मीटिंग में वोट होता है ना, तो वो 2 प्लेयर के वोट वो स्वैप कर सकता है। पर मीटिंग में वो 1 ही बार स्वैप कर सकता है और पूरी गेम में वो 2 बार स्वैप कर सकता है। ब्लैक जैक और व्हाइट जैक की तरह ये भी मीटिंग में ही अपना कमाल दिखाता है, लेकिन जब भी अपना कमाल दिखाता है तो सामने वाले बंदे की जज्बात हालात सब कुछ पलट के रख देता है, पूरी उसकी जिंदगी उखाड़ के फेंक देता है स्वैपर। और इम्पोस्टर ना स्वैपर से बहुत डरते हैं, क्योंकि ना स्वैपर अपना जब मैजिक दिखाता है ना, तब इम्पोस्टर ने सोचा भी नहीं होगा कि भाई मैं कैसे निकल गया। एनीवेज गाइस, चलो अब टिप्स एंड ट्रिक्स पे आते हैं। देखो, पहली टिप्स तो कॉमन ही है, मैं बहुत सारी वीडियो में बोलता हूँ कि आपके पास अगर स्पेशल रोल आता है तो आपका काम है पहली मीटिंग तक सर्वाइव करना। आप पहली मीटिंग तक जिंदा रहना होगा। आप शुरू में ही मर गए तो आपका रोल का कोई काम नहीं होगा, आपका रोल वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट मीटिंग तक आपको जिंदा रहना है। दूसरी टिप है कि मीटिंग में अपने कान, दिमाग और गेम में अपनी आंखें खुली रखकर बंदों को ऑब्जर्व कीजिएगा। वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, मिशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर रोल पता कीजिएगा ताकि आपको सेफ प्लेयर जान सके। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा तो आप CCTV रूम में जाके ऑब्जर्व कीजिएगा, वहाँ पे देखिएगा कौन किसके साथ घूम रहा है। तो ऐसे करके आप बंदों को सेव कर सकते हो और आपको जिस पे डाउट होगा उस पे आप स्वैप कर सकते हो। मुझे पता है कि ये बहुत सारे बंदे नहीं कर पाएंगे, तो उससे बढ़िया मैं आपको दूसरा एक रास्ता दिखाता हूँ, आप वो ट्राई कीजिएगा। आप ना मीटिंग में सबको पूछ लीजिएगा कि अपना रोल ड्रॉप करो, ठीक है? तो जैसे जैसे रोल रिवील होते जाएंगे आप ना उसे मार्क कर लीजिएगा ताकि वो आपके लिए सेफ हो जाएंगे। और जिसके पास रोल नहीं है ना तो वो आपके लिए सस हो जाएंगे, तो उस पर आप स्वैप कर सकते हैं। तो अभी कैंप्स में देखा होगा कि ग्रीन ने ऑरेंज को मार दिया है, तो मैंने ग्रीन को यहाँ पे इम्पोस्टर मार्क कर लिया। तो यहाँ पे नोटिस करोगे तो ब्लू का सुपर पास 1 है, तो उसे अभी नॉर्मल इम्पोस्टर ही मिला होगा। तो मैंने रोल चेक किया तो मैंने ग्रीन को यहाँ पे निंजा मार्क किया। देखो, अभी यहाँ पे व्हाइट को मैंने ग्लूटोनी मार्क किया, वो मैंने ऐसे ही मार्क किया क्योंकि मेरे को उस पर सस था। तो देखो, अब सभी रोल आपको पता चल चुके हैं। तो अब आपका काम शुरू होता है। अगर कोई स्पेस को गलत बंदे पे वोट आउट करते हैं तो आप उसका वोट स्वैप करके इम्पोस्टर पे डाल सकते हैं, या फिर मीटिंग में बोल सकते हैं कि भाई मैं स्वैपर हूँ, सब लोग मेरे पे वोट करिए, मैं स्वैप करके इम्पोस्टर को निकालता हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे खेलना है। ज़्यादातर स्वैपर अपना रोल नहीं बताते। जब उन पे कोई सस करता है और सभी लोग उन पे वोट करते हैं तब स्वैपर अपना वोट स्वैप करके अपना रोल रिवील करता है। और अगर गेम में कोई अपने रोल रिवील नहीं करता तो आपके लिए डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। तब आप ना बंदों को ऑब्जर्व कीजिएगा कि वो मिशन कर रहा है या फिर मैप में ऐसे घूम ही रहा है। अगर घूम रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो स्पेस क्रू नहीं है। तीसरी टिप है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ना आपको ना पहले स्वैप करना है, फिर बाद में आपको अपना वोट डालना है। बंदे क्या करते हैं, पहले वोट कर लेते हैं फिर स्वैप करने जाते हैं, तो इतने में टाइम आउट हो जाता है और वो या तो स्वैप नहीं हो पाता या खुद ही निकल जाते हैं। तो इसीलिए पहले अपना स्वैप यूज़ कीजिएगा, फिर बाद में अपना खुद का वोट डाल लीजिएगा। मैंने बहुत बार देखा है कि बंदे ना पहले वोट आउट कर देते हैं और फिर स्वैप करने जाते हैं, तो वो खुद ही निकल जाते हैं स्वैपर होके। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। चौथी टिप ये है कि ना आप मीटिंग में पहले कंफर्म कीजिएगा कि ज़्यादातर वोट किस पे डाल रहे हैं। देखो, यहाँ पे मीटिंग में क्या होता है कि आधे लोग वोट रेड बोल रहे थे, आधे लोग वोट वाइट बोल रहे थे और सभी लोग वोट रेड करने ही वाले थे, लेकिन पता नहीं एंड मोमेंट पे क्यों वाइट पे डाल दिया सभी लोगों ने। लेकिन मैंने वहाँ पे स्वैप कर दिया था रेड के वोट ग्रीन पे। अब देखो आगे क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे ज़्यादातर वोट वाइट पे गए थे और मैंने यहाँ पे स्वैप किया था, वो वेस्ट भी हो गया। यहाँ पे ग्रीन इम्पोस्टर था वो बच गया और यहाँ पे जो वाइट स्पेस क्रू था वो निकल गया। तो इसीलिए पहले मीटिंग में कंफर्म कीजिएगा कि किस पे वोट डाल रहे हैं। तो ये 4 ही टिप्स एंड ट्रिक्स थी, जिसमें से सबसे खतरनाक अपनी दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स है। अगर आपने वो सीख ली तो आप अच्छे नहीं बहुत ही खतरनाक वाले स्वैपर बन जाओगे। वो आपको तब पता चलेगा जब मैं आपके लिए अपने गेम प्ले वीडियो शेयर करूंगा, तब आपको दूसरी टिप भी सही समझ में आ जाएगी। और गेम प्ले वीडियो देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि नहीं यार, वायरस भाई ने सही बोला था कि मीटिंग में कान, दिमाग और गेम में अपनी आँखें खुली रखकर खेलना होगा। देखो, स्पेस क्रू में स्वैपर ही कैसा रोल है जिसमें आपको अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करना होगा, क्योंकि एंड मोमेंट पे ना स्वैपर गेम पलट के रख देता है इम्पोस्टर की। वो इंजीनियर भी करता है, लेकिन इंजीनियर में अगर गलत वोट आउट हो गया तो भी गेम हारा जा सकता है, लेकिन स्वैपर में कभी गेम नहीं हारा जाएगा अगर आपने सही स्वैप किया तो। और अगर आप अच्छे स्वैपर बन गए तो मिनिमम आपकी गेम ना 4 मिनट तक चलेगी, तब तक आप गेम ख़त्म कर लोगे। और हाँ गाइस, अगर गेम में ब्लैक जैक आता है तो आप ना जिसके पास मेडबे का स्कैन हो उसके साथ ही घूमिएगा, क्योंकि वो गेम में आप रोल नहीं जान पाओगे
और वो गेम भी कैसे खेलनी है वो भी मैं आपको गेम प्ले वीडियोस में मैं आपको सब समझाऊंगा। तो आई होप गाइस आपको ये स्वैपर की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल पर जितने भी नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिया एंड बाय बाय। We will not fear the puny impostor.